गुड मॉर्निंग दुबई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज दुबई में हमारा डे टू। कल आए थे फ्लाइट से, सो गए, फिर उसके बाद दुबई मॉल गए, ज़्यादा कुछ किया नहीं। आज वापस से जा रहे हैं हम दुबई मॉल, फिर शाम को देखेंगे क्या करते हैं। बस अभी मैंने नाश्ता किया, जैसे आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने नाश्ते से एंड किया था ब्लॉग, और वहीं से मैं अभी नहा के कपड़े वगैरह पहन चुके, बस थोड़ा तैयार होना बाकी है, बाल वाल सेट करना बाकी है। क्या निकल रहा है भाई, चलो कुछ नहीं। तो मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा फोरकास्ट में पड़ा कि बारिश होने वाली है, लेकिन यहाँ पर दिन में 12-1 बजे भी मतलब ठंडी हवा चल रही है। धूप तो है, थोड़ी धूप है, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है। और यही हाल 12-1 बजे मुंबई में निकल जाओ, आप बाहर नहीं निकल सकते, मतलब इतनी गर्मी। और दिसंबर, जैन या नवंबर के टाइम भी धूप होती है, यहाँ पर धूप होके भी ठंडी हवा चल रही है। तो बस अभी कितने बज रहे, अभी शायद से बज रहे हैं 12:30-1 बज रहे शायद से। तो बस अभी थोड़ी देर में, आधा घंटे में निकल जाएंगे दुबई मॉल, थोड़ा दुबई मॉल एक्सप्लोर करेंगे। अगर हो सके टाइम मिला तो आइस स्केटिंग मैं वापस करूँगा। कल अभिषेक भी बोल रहा था कि आज आइस स्केटिंग करेंगे, देखते हैं। और बस अभी कुछ नहीं, बाल वाल बना लेता हूँ, फिर निकलने की तैयारी करते हैं। चलो ऑल सेट, चलते हैं दुबई में। सबसे बेस्ट चीज मतलब ये होटल की सबसे, ओ वाओ, देखो फाउंटेन भी चालू हो गया है, करेक्ट 1 बजे। ये मज़ा है ये यहाँ पर स्टे करने का, सुबह सुबह जागो ये व्यू के साथ, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा था, बहुत प्यारा मौसम है, धूप है लेकिन ठंडी हवा चल रही है। अभी थोड़ा 10-15 मिनट टाइम है निकलने को, तो जब तक बालकनी में बैठते हैं और फाउंटेन के मजे लेते हैं। बेस्ट व्यू आई गॉट, ये बाप रे, यहाँ से हाइट समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत ऊपर तक जाता है। आई थिंक 9-10 माले तक तो आराम से जाता ही है। ये देखो मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी बहुत ऊपर हूँ। ये बुर्ज खलीफा, ओ ये लगता है पटाखा फूटा। चलो फाउंटेन बंद, तो अभी हम लोग आ गए हैं दुबई मॉल, देखेंगे शाम तक इधर टाइम पास करेंगे, और अगर कुछ समझ में आया तो खरीद लेंगे। और यहाँ पर भाभी और अभिषेक ले रहे हैं योगर्ट, और वहाँ भाई ये देखिए रुआन को घुमा रहे हैं, रुआन सो रहा है।
हाय गाइस, अभी है नेक्स्ट डे। कल जैसा आपको मैंने बताया था कि दुबई मॉल गए थे, शॉपिंग ही की है। तो आज हमारा प्लान है बुर्ज खलीफा एट द टॉप जाने का, फिर उससे पहले है लिमोजिन राइड। अभी मैं नीचे स्पिनिस आया था तो बस अभी ऊपर जा रहा हूँ, आधे घंटे में हमारी लिमोजिन आ जाएगी, तो अभी चलते हैं। और आज मैंने पहना है ये जो मुझे सगाई में गिफ्ट मिला था, ये अरमानी की टी शर्ट डेनिम, और नीचे जो लास्ट टाइम मैंने दुबई से जॉर्डन्स लिए थे वो, और वॉच न्यू। ये सब मैंने न्यू मैंने अभी ये दुबई आने के लिए खोला था। चलते हैं ऊपर रूम में, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे बुर्ज खलीफा के लिए। और ये आ गई है लिमोजिन पिक करने, जो एक घंटा घुमाएगी फिर हमें ले जाएगी बुर्ज खलीफा। ये देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है भाई, मतलब अलग लेवल की बड़ी है। चलो चलते हैं। चलो अभी लिमोजिन राइड हो गई है, अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल के अंदर बुर्ज खलीफा एट द टॉप। अभी 125 फ्लोर पे यहाँ से एक्सचेंज करके जाएंगे 154 फ्लोर पे। वी आर इन बुर्ज खलीफा गाइस। पहुंच गए हम 154 फ्लोर पे, अभी जा रहे हैं नीचे, कुछ खाएंगे और व्यू का मजा लेंगे, और यहाँ की बालकनी ओपन वहाँ भी रहेंगे। अभी आपको दिखा तो 154 से व्यू कैसा दिखता है, ये देखो। इसको 0.5 में करूँगा ना बराबर दिखाई देगा हम कितने ऊपर हैं। चलिए कुछ खा लेते, अभी स्नैक्स है इधर ऑलरेडी, देखिए।
अभी हम जा रहे नीचे, एक फ्लोर नीचे, जो बालकनी आपने देखी थी ना मेरे लास्ट ब्लॉग में, एकदम ओपन, हमारे के फोटोज वगैरह खिंचाएंगे, रील बनाएंगे। वो ठंडी हो गया, ये देखो टॉप से बालकनी से ऐसा दिखता है। शाम के टाइम पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइट्स 154 फ्लोर। बज रहे हैं, टाइम नहीं मालूम क्या हो रहा है, बहुत ही प्यारा वेदर है। 154 फ्लोर पे बालकनी, लास्ट है ना वो वाली। सो दिस आर द मेन पीपल बिहाइंड द बुर्ज खलीफा कंस्ट्रक्शन। चलो अभी हम लोग आ गए हैं अपने अपने रूम में, और बुर्ज खलीफा पे तो मज़ा आ गया, लास्ट टाइम भी गए थे, इस टाइम भी गए थे, इस टाइम थोड़ा और मज़ा आया क्योंकि मौसम बहुत ही अब प्यारा था। और जब हम नीचे आए, जब शाम के बाद अंधेरा होने लगा और पूरे क्लाउड से आधा बुर्ज खलीफा मतलब ढक गया था, और ये सब प्लान किया था लिमोजिन राइड वगैरह और बुर्ज खलीफा में जाना। स्टेलार कंपनी ने, स्टेलार एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है जो आपकी ट्रिप को बहुत ही आसान बना देगी। अगर कोई भी आ रहा है, अगर उनको दुबई के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस वक्त क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कौन से सीज़न में क्या चीज़ खुली होती है, क्या चीज़ नहीं खुली होती है, तो आपको एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेलार बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, अगर आप कभी भी दुबई आए तो स्टेलार को कांटेक्ट करना, और तो वो लोग आपको पूरा आइटिनरी प्लान करके देंगे बहुत ही अच्छे से, और कोई भी दिक्कत नहीं है। लिमोजिन राइड भी बहुत ही स्मूथ थी, मतलब टाइम पे गाड़ी आ गई थी होटल के नीचे, और टाइम टू टाइम हम बुर्ज खलीफा पे भी पहुँच गए थे 150 फ्लोर पे जाने के लिए। सारा प्रोसेस एकदम स्मूथ था। सो थैंक यू स्टेलार फॉर मैनेजिंग सो गुड। और अभी हो रही है रात, देखते सो जाते हैं, फिर मिलेंगे कल। इसको अभी एडिट करूँगा जितना आएगा, अगर 12-13 मिनट भी आ गया ना बहुत है, मैं डाल दूँगा ब्लॉग। तो मैं वही बैठा हूँ अभी बालकनी में विथ डाउनटाउन व्यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगी और आप देख पाओगे। सो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।